गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज पिंक शर्ट पहनी हुई है मैंने बिकॉज आज कनाडा में पिंक डे सेलिब्रेट होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको वेदर अपडेट भी देता हूँ। पीछे अगर आपको बर्फ हल्की हल्की दिख रही हो तो कल ही यहाँ पे स्लीट रेन हुई है। स्लीट मतलब होता है कि जब आइस के पर्ल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं आइस के, हिंदी में बोलते हैं ना ओले, वैसे बारीक बारीक से छर्रे गिरते हैं आइस के। दिस बेसिकली जब वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज हो जाती है एटमोसफेयर में वाइल फॉलिंग डाउन, उसे हम स्लीट बोलते हैं। और अभी माहौल पूरा इधर बर्फीला सा हो रहा है। सी दिस, राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू माई यूनिवर्सिटी। आज पिंक डे कैसे सेलिब्रेट होता है आई शो यू। दिस इज आवर लाइब्रेरी, ECW लाइब्रेरी, एंड दिस इज ओपन एरिया। यहाँ पर हम चाहें तो ऐसे बैठ के कुछ भी अपना खाना वाना खाना या कुछ भी काम करना आप कर सकते हैं। बट सर्दी इतनी है तो इन्होंने पूरा नीचे आप देख रहे हो सॉल्ट बिछा रखा है इन्होंने। नमक से क्या होता है कि बर्फ़ हार्ड नहीं होती है तो स्लिपरी नहीं होती है, सरफेसेस जो होती है लोग गिरते नहीं हैं उसकी वजह से, और पिघलती जाती है बर्फ़। आई वेंट टू द क्लास, क्लास अटेंड कर ली, उसके बाद मैं हैड माई लंच, आई जस्ट केम टू द लाइब्रेरी। इधर हमारा लर्निंग एरिया होता है, लर्निंग कॉमन्स बोलते हैं इसे। सो अभी इधर मैंने बैग रखा हुआ है। दिस इज लर्निंग कॉमन्स एरिया। और ये हमारा पिंक शर्ट डे, पिंक शर्ट डे आज इवेंट होने वाला है हमारे ECW लाइब्रेरी में। दिस इज बेसिकली एंटी बुलिंग, हेल्प अस एंड बुलिंग करके इनका मोटो है। सो देखते हैं आज इवेंट कैसा होता है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। इट्स स्टार्टिंग एट अराउंड 3, अभी 2:30 बज रही है। सो अभी थोड़ा बहुत जो भी असाइनमेंट्स हमारे वो कर लेते हैं। यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है। हाउ आर यू डूइंग अशोक भाई? आई से समथिंग फॉर द डॉग। दैट्स रियली एनलाइटनिंग। एंड जैसा कि आप देख सकते हो पीछे टॉर्च जल गई है, सनलाइट। 3 बज चुकी है, अभी हम जा रहे हैं इवेंट में। पिंक शर्ट डे, ऑल्दो आई हैवंट वोर्न एनी पिंक कलर, आई थिंक रेड विल वर्क। एंड इग्नेश इज हियर विद अस। क्या होता भाई ये पिंक डे, पिंक शर्ट डे का? पिंक शर्ट डे मे बी इट्स अ फ्री टोनर डे, यू कैन ईट एट केएमटी यूनिवर्सिटी कनाडा। दिस इज ईस्ट बिल्डिंग और सामने हमारी वेस्ट बिल्डिंग है। अभी आई थिंक कुछ काम चल रहा है इधर, सो क्रेन लगी हुई है वेस्ट बिल्डिंग। यहाँ पे अंदर जाके क्यूआर स्कैन करना होगा एंड देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स द लॉबी। जस्ट लाइक दिस यू हैव टू स्कैन योर क्यूआर स्टूडेंट आईडी एंड देन लॉबी एरिया। हियर इट इज। This is Pink Day celebration. We are in the Pink Day in our university. Oh, this is one badge. It says anti-bullying bullying. Lift each other up. Or साथ में bracelet. Lift each other up. Lift each other up. Yeah. So yeah, it's against. Bullying. You are also eating donut, wow. Yeah. We have pink colored icing on the donut as well. Yes. Alright guys, so we are back from the event. अभी भी चल रहे हैं वहाँ पे, मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए हैं, उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया हुआ था वहाँ पे। बट वी हैव टू डू आवर असाइनमेंट्स, सो वी आर बैक इन द लर्निंग कॉमन्स एरिया। अभी हम वही करेंगे यहाँ पे। All set, let's do it. बज गई है 7 शाम के, मेरी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है और बाहर स्नो गिर रही है, बहुत ही
बारीक इसमें, इफ यू कैन सी इन द लाइट। सो इसलिए जो सुबह नमक बिछाया था वो काम आ गया। और अभी आर वी गोइंग टू माई क्लास, और अर्शद भाई निकल रहे हैं घर। गोइंग ऑन फोर्थ। सो या दैट्स इट। होपफुली इफ एनीथिंग इंटरेस्टिंग कम्स अप आई विल शूट इट इन द व्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का दिन बड़ी बोरिंग। हैव अ गुड क्लास। एंड फाइनली लास्ट क्लास ख़त्म हो चुकी है। क्लास थोड़ी सी जल्दी छूट गई बिकॉज स्नोफॉल हो रही है इधर। आई डोंट नो इफ यू कैन सी द फ्लरीज। आई एम एबल टू सी दैट विद माय नेकेड आईज, बट इट इज़ नॉट विजिबल इन द कैमरा। स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे और फील्स गुड। दिस इज कॉल्ड फ्लरीज। लोग खुश हो जाते हैं बिकॉज वैंकूवर में इतनी ज़्यादा बर्फ होती नहीं है। एंड वेन एवर देर इज नो फॉल इट्स लाइक अ ट्रीट फॉर पीपल। इट्स नाइस वंस इन अ वाइल। स्नो इज नाइस बट इफ यू हैव टू स्टे इन स्नोई प्लेस इट्स नॉट। यम्मी। बर्फ का गोला बट इसको खाते नहीं है क्योंकि नीचे गिरी हुई बर्फ है। इसको फेंक के मारते हैं किसी को, बट स्ट्रीट पे किसी को नहीं मार सकते वरना वो लोग मारेंगे तो दर्द होगा। ये फर वाला जैकेट ना बड़ा काम आता है। इफ यू कैन गेट दिस वन इट्स वेरी हेल्पफुल। सो दिस इज ऑल इट इज़ अबाउट टुडे।